आज का किचन टिप्स बहुत ही यूजफुल है जो मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए टिप्स को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए पहले टिप्स इस तरीके से, हमारी कोई भी सब्जी हम ले आते हैं मार्केट से, तो आपने देखा होगा जो भैया सब्जी वाले रहते हैं इस तरह से गांठ लगा के तेज से दे देते हैं और हमें खोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए, हमें गांठ खोलने का बहुत ईजी तरीका है। इस तरह से हमको अच्छी तरह से इस पर लपेटा देना है, यानी ऐठन देना है। ऐठन देने के बाद बहुत ईजी तरीके से ये खुल जाता है दोनों तरफ से। ये जो कोना है इसमें हमें ऐठन देने के बाद बस इसको आपको इस तरह से प्रेस कर देना है। देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ, टाइटली हाथ से इस तरह से प्रेस करके और इस तरह से खींचेंगे, बहुत ईजी तरीके से ये खुल जाता है। ये काफ़ी हार्ड गांठ लगा रखा था भैया ने, तो देखिए मैं यही ट्रिक आजमाई तो ये बहुत ईजी तरीके से खुल गया और ये बिल्कुल ही इस तरह से आपकी पॉलीथीन भी बच जाएगी और आगे काम भी आएगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप इस तरीके से हमारे हरे धनिया को लेकर। तो दोस्तों गर्मियों का दिन है, गर्मियों ने करवट बदल ली है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि गर्मियों में धनिया की पत्ती कितनी महंगे हो जाती हैं और काफ़ी पैसों में भी हम देखते हैं कि लेने जाते हैं बिल्कुल ज़रा सी धनिया मिलता है। तो गर्मियों में धनिया की पत्ती सूख भी जाते हैं और हम धनिया भी अगर ज़्यादा स्टॉक ला के रख दें तो दोस्तों आपने देखा होगा कि इस तरह से धनिया हमारे गर्मियों में ज़्यादा दिन तक के चलता नहीं है। तो दोस्तों मैं एक छोटा सा ट्रिक धनिया की पत्ती के लिए ले आई हूँ। तो देखिए मुझे इस तरह से पेपर में अच्छी तरह से लपेट के रख देना है और पेपर में रखने के बाद मुझे पन्नी में कवर करके रख देना है। तो इस तरह से आप फ्रिज में रखेंगे तो ये जो फ्रिज पानी, जो फ्रिज का पानी आपने देखा होगा हम पन्नी में रखते हैं तो ये पानी ज़्यादातर पन्नी में छूट जाता है। तो इस तरह से हमारे धनिया हो जाता है ख़राब और पन्नी में भी बिल्कुल इस तरह से धनिया पत्ती गल जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हम पेपर में रफ करके रखेंगे तो ये जो फ्रिज का पानी है ये पेपर अब्जॉर्ब कर लेगा, आपका धनिया बिल्कुल हरा रहेगा और धनिया ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों पन्नी में धनिया को ना रखें, गर्मियों का दिन है, पानी इस तरह से धनिया बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से पेपर में रफ करके धनिया को जबी रखें, आपका धनिया 10 से 15 दिन तक के बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। मैं बिल्कुल इसी तरह ही धनिया रखती हूँ। तो दोस्तों ये ट्रिक ज़रूर आजमा के देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। अगला ट्रिक इस तरह से हमारे छोटे मोटे साबुन को लेके है। तो दोस्तों आपने देखा होगा इस तरह से छोटे मोटे साबुन हम बाथरूम वगैरह में जब नहाते हैं तो पतले हो जाते हैं साबुन, तो हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, इधर उधर फेंके जाता है साबुन, ये गल भी जाते हैं। तो चलिए क्यों ना हम इस साबुन का आज इस्तेमाल करें। तो देखिए इसको आप या तो तोड़ भी सकते हैं, मैं चाकू की हेल्प से इसको बारीक बारीक इस तरह से मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो चलिए मैंने इसको छोटे आकार में मैंने कटिंग कर लिया है। तो मुझे लेना है एक बाटल, बाटल में इस तरह से साबुन को मैं डाल देती हूँ। तो इसी हिसाब से मैंने इसको बारीक बारीक पीस काटा हुआ है कि इसको मैं बोतल में भर देती हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने बोतल में भरने के बाद मुझे करना क्या है, इस तरह से बोतल में भर लिया है और बोतल में मुझे पानी भरना है। एक बोतल इस तरह से देखिए पानी भरना है और मुझे इसमें थोड़ा सा, मैं सुवे को गर्म कर ली हूँ तो इस तरह से देखिए मुझे ज़्यादा नहीं, 2 से 3 छेद यहाँ पे करना है, ज़्यादा नहीं करना, बस 1 ही 2 छेद करने हैं इस तरह से। तो चलिए मैं छेद को कर लेती हूँ और छेद करने के बाद मुझे इसमें पानी डाल देना है, जहाँ तक छेद है वहीं तक ही पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो चलिए मैंने वहाँ तक कि पानी डाल दिया है, अब मैं इसके कैप को इस तरह से कवर कर देती हूँ। कवर करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से हिला देती हूँ। तो दोस्तों मैंने बहुत ही बारीक इसमें छेद किया है कि इसमें का पानी धीरे धीरे ही रस हो। तो चलिए मैं इसका यूज बताती हूँ मुझे करना क्या है। तो देखिए मैं टॉयलेट में आ चुकी हूँ। इस तरह से जो आपके टॉयलेट का इस तरह से सिस्टम है ये, यानी फ्लैश, तो जब भी हम फ्लैश को चलाएंगे बार बार तो आपने देखा होगा इस तरह से मैंने बॉटल को डाला है। तो इस तरह से जो साबुन है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके इसके टॉयलेट में आता रहेगा। तो क्या है दोस्तों, इस तरह से आपके टॉयलेट में स्मेल नहीं आएगा, बदबू नहीं आएगा, कोई टॉयलेट में जाने से पीछे नहीं हटेगा। तो दोस्तों छोटा सा ट्रिक है, बहुत ही काम का है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप मेरा इस तरह से स्किन को लेके है। तो दोस्तों आपने देखा होगा इस तरह से हमारा स्किन कभी कभी गर्मियों में, सर्दियों में इस तरह से हमारा स्किन बहुत ही बेकार हो जाता है। तो देखिए मुझे करना क्या है, इस तरह से मैं स्किन की बात बता रही हूँ, मैं ये हाथों पे मैं करके बता रही हूँ स्किन की हाथ। तो देखिए मुझे करना क्या है, 1 चम्मच दही ले लेना है और दही डालने के बाद मुझे इसमें थोड़ा सा चीनी डाल लेना है। तो देखिए इस तरह से चीनी डालने के बाद मैं अपने हाथों पर करके दिखा रही हूँ, आपका फेस बिल्कुल काफ़ी मुलायम हो जाएगा, काफ़ी हद तक कि बिल्कुल क्वीट लगेगा
और काफ़ी नेचुरल दिखेगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मुझे चीनी ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो हमारा स्किन छिल भी जाएगा। तो चलिए मैं एक हाथ पे मैं अपने हाथों पे रफ करके दिखा रही हूँ दोस्तों। काफ़ी इससे अगर आप एक से दो बार इस तरह से अपनी स्किन को मसाज कर लेंगे तो आप दोस्तों यकीन मानिए एक बार इसको बार बार इसको आप इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इस तरह आप अपने चेहरे पे मसाज करेंगे तो आप एक बार इसको ज़रूर आजमा के देखिएगा, बहुत ही यूजफुल है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। चलिए मैंने अपने हाथों को धुल लिया है, काफ़ी मेरे हाथों में क्लियरिटी आ चुकी है। तो दोस्तों हाथों में आ चुका है तो आप फेस पे करेंगे तो कितना क्लियरिटी आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर के साथ कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर एक किसी नेक्स्ट वीडियो में।